नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ बूलियन एल्जेब्रा के बारे में। बेसिक कौन से लॉज हैं, कैसे वो यूज किए जाएंगे बूलियन एल्जेब्रा को सिंप्लीफाई करने में, एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने में, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक लॉज लिख रखे हैं जो कि काफी जगह पूछे भी जाते हैं, काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफी चीजों को सिंप्लीफाई करने में भी यूज किए जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉ मैंने लिख रखा है बूलियन एडिशन का। तो बूलियन एडिशन बेसिकली हमें यहाँ पर दो ही बिट्स दी जाती हैं, जीरो और वन, तो उनके कॉम्बिनेशन को लेके हम लोग में ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले एडिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडिशन की ही हम लोग बात कर लेते हैं। तो जीरो प्लस जीरो हो जाएगा जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन वन आ जाएगा। ठीक है, अब तो यहां से हमें एक चीज बहुत मिल रही है बहुत आराम से, कि यहां पर अगर एक भी बिट हमारी वन है तो हमें आउटपुट में वन मिल रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वन प्लस ए इक्वल्स टू वन, यानी कि वन में जब भी हम कोई चीज ऐड करेंगे तो हमेशा हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, बूलियन मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, वन इंटू जीरो, और वन इंटू वन, बहुत ही सिंपल चीज है। जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू वन वन। अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जीरो, अगर एक भी इनपुट हमारा जीरो है तो हमें आउटपुट में जीरो मिलेगा। वन हमें कब मिलेगा, जब दोनों इनपुट हमारे वन होंगे, यानी कि यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक, ये हो गया हमारा बुलियन मल्टीप्लीकेशन। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या आ रहे थे, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम है जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग बात करते हैं कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी की, कि बेसिकली अगर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दो ऑपरेशंस की बात की जाएगी तो वहां पर जो भी हमारे दोनों ऑपरेंड होंगे, जो भी हमारे दोनों बिट्स होंगे, उनकी पोजिशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं। यानी कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, एंड ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ठीक, फोर्थ चीज है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, बिल्कुल वही चीज सेम है मैथमेटिक्स वाली, कि यहाँ पर चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। दो पोर्शन होते हैं ए और बी प्लस सी, तो ए को इसके साथ मल्टीप्लाई, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये हो जाएगा। और वही मैंने बिल्कुल इंटरचेंज कर दिया, यहाँ मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, जहां प्लस था वहां मल्टीप्लीकेशन साइन, तो वहां भी वही चीजें हो जाएंगी। तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्लियर हो गई है। फिर प्रॉपर्टी आती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी वही चीज है। इसमें क्या है, ब्रैकेट के पोर्शन, ब्रैकेट की पोजीशन हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, तो सीधी सीधी बात है, यहां पर हमें दो ही बिट दी जाती है, तो यहां पर कोई दो बिट्स, कोई ए और बी या सी, कोई दो यहां पर सेम होंगे। तो बेसिकली हमें दिया गया है कि ब्रैकेट की पोजिशन इंटरचेंज कर दी है, वही चीज मल्टीप्लीकेशन में भी फॉलो हो रही है। ठीक, सिक्स्थ है थोड़े इंपॉर्टेंट लॉज, एब्जॉर्प्शन लॉज जिसको हम कहते हैं। तो इसमें चार लॉज आते हैं, तो इसको बेसिकली आप डायरेक्टली भी किसी चीज के सिंप्लीफिकेशन में यूज कर सकते हैं। इनकी मैं प्रूविंग आपको बता दे रहा हूं आपको, ताकि आपको आसान रहे इस चीज को याद करना। तो सबसे पहले लॉ की बात कर लेते हैं, ए प्लस ए बी। तो a प्लस ab को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट वन प्लस ए बी लिख सकते हैं। अब यहां से मुझे a कॉमन मिल रहा है तो अंदर बचेगा वन प्लस बी। अब आप जानते हैं अभी मैंने लिखा था वन प्लस बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यानी कि फाइनली हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा जो कि वहां मिल रहा है। ठीक, सेकेंड लॉ की बात कर लें, a डॉट a प्लस बी, कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी यहां पर लगा दें। तो ए डॉट ए भी मैंने बताया था, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन, यानी कि ए इंटू ए ए, ये ए मिल जाएगा प्लस ए डॉट बी। और इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने अभी पढ़ा है, जो कि किसके बराबर आ रही थी, ए के बराबर, ये चीज हो गई। ठीक, अब इन लॉस के बारे में बता देते हम, बचे दो लॉस क्या हैं, ए प्लस ए बार बी, इसको कैसे लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में भी लगा दें। तो ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार मल्टीप्लीकेशन में ए प्लस बी। अब ए प्लस ए बार यानी कि
बिट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 1 प्लस 0 होगा या 0 प्लस 1 होगा, 1 होगा ही होगा, तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और बचेगा ए प्लस बी, यहां पर आ जाएगा तो फाइनली हमें मिल जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब फोर्थ चीज यहां पर फोर्थ लॉ देख लेते हैं। तो फोर्थ लॉ मेरा दे रखा है ए डॉट ए प्लस बी, यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ए डॉट ए बार लगा दिया प्लस ए डॉट बी। ठीक, अब ए डॉट ए बार यानी कॉम्प्लीमेंट बिट प्लस मल्टीप्लाई बाय एक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक ना एक बिट इसमें जीरो जरूर होगी, या तो जीरो इंटू वन या वन इंटू जीरो, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, जीरो प्लस ए डॉट बी, आंसर हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी। ठीक है, ये चीज यहां पर हमें मिल रही है। ठीक है, तो ये चार लॉज हो गए, चार प्रूविंग हो गई, इनको आप डायरेक्टली भी सिंप्लीफिकेशन में यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बाय अब्सॉर्प्शन लॉ। अब सेवन हमारा जो लॉ है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए डॉट बी और इसका होल वालेगा, मान लीजिए यानी कि दो बिट्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करके होल का कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो वो किसके बराबर होगा, ए बार प्लस बी बार। बेसिकली यहां क्या करते हैं, ब्रेक द साइन, ब्रेक द लाइन, लाइन ब्रेक कर दी है एंड चेंज द साइन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का एडिशन हो गया। वही सेम चीज अगर रेसिप्रोकल कर दी जाए, ए प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। ठीक है, इसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में काफी इलाबोरेटली इसको इलाबोरेट किया, बहुत आराम से बहुत अच्छे से बता रखा है, तो अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही, थैंक यू।